अपने बलबूते पर बॉलीवुड जैसी चमकती इंडस्ट्री में अपना नाम चमकाना कॉमेडियन भारती सिंह के लिए आसान नहीं था। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि आज सब वो दिखता है। भारती आज टॉप पर तो पहुंच गई है, लेकिन जब नीचे झांकती हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद होते हैं। भारती सिंह का फिर से एक बयान सामने आया है। जब भारती सिंह काफी देर तक कमरे में एक शख्स के साथ बंद थी और बाहर उनकी माँ बैठी ये सब कुछ देख रही थी। भारती ने पहले ही माँ को सतर्क कर दिया था और पूरी प्लानिंग बना ली थी, लेकिन फिर भी भारती सिंह के साथ गलत काम हुआ। हम बताते भारती सिंह के स्ट्रगल के दिनों का वो किस्सा जब भारती की सांसें तेज तेज चल रही थी। भारती सिंह ने बताया कि उन्हें कपिल शर्मा ने बताया था कि अमृतसर के एक 5-स्टार होटल में ऑडिशन हो रहे हैं। लोगों की सोच ऐसी है कि डायरेक्टर छेड़ने के लिए बुला रहे हैं। भारती ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ और माँ के साथ ऑडिशन के लिए गई थी। भारती ने कहा कि मैंने उनको बोला कि अगर मैं 15 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम लोग पुलिस को लेकर ऊपर आ जाना, इससे पहले इज्जत लूट जाए। भारती सिंह इसके बाद ऊपर गई और डायरेक्टर का दरवाजा खटखटाया। भारती सिंह की सांसें तेज हो रही थी, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री के किस्से सामने आते हैं वो सब भारती सिंह देखे हुए थी और समझे हुए थी। भारती ने बताया कि डायरेक्टर कमरे से बाहर निकर पहन कर आया था। इस पर भारती ने कहा ये तो पूरी तैयारी में है। भारती ने सोचा सच में यहाँ ऐसे ही छोटे शहर की लड़कियों को बुलाया जाता है और झांसा दिया जाता है फिल्मों का, फिर उनके साथ गलत काम किया जाता है। इसके बाद भारती तो वहीं पर डर गई थी और हिम्मत हारने लगी थी, लेकिन फिर भी भारती सिंह पूरी तैयारी करके गई थी। इसके बाद भारती तब और डर गई जब डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या क्या कर सकती हो। जवाब में भारती ने डायरेक्टर को सब बताया जो उन्होंने किया, यहाँ तक कि मौके पर ऑडिशन भी दिया। डायरेक्टर ने अपना नंबर छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद उनके पास कोई कॉल तो नहीं आया। इसके बाद 2-3 महीने बाद भारती को एक प्रोजेक्ट के लिए फोन आया, जिन्होंने भारती को बताया कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के लिए उनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। इस शो ने भारती की किस्मत ही बदल दी। भारती अपनी कॉमेडी से लोगों के दिलों पर छा गई थी। मनीष पॉल के पॉडकास्ट में भारती सिंह ने अपनी गरीबी और बड़े वजन पर भी खुलासे किए। भारती ने बताया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लोग उनसे प्यार करेंगे या उनकी केयर भी करेंगे, क्योंकि वो मोटी और अच्छी नहीं दिखती थी। अपने फिटनेस को लेकर भी भारती ने काफी कुछ सहा है, तो आप भी भारती सिंह को लेकर कॉमेंट जरूर करें। सबको हंसाने वाली भारती सिंह इतने दर्द से भरी है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो आज ये दुनिया भी नहीं देख पाता। उन दर्द ने भारती को इतना मजबूत बना दिया कि वो कभी भी पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन भारती सिंह अपने वो दिन कभी नहीं भूलती हैं जब उनकी माँ ही उनके लिए भगवान और पिता थे और हैं भी। पहली बात तो भारती सिंह को उनकी माँ जन्म देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भारती सिंह इस दुनिया में आकर रही। उसके बाद दुख तो तब हुआ जब भारती सिंह के आते ही उनके पिता का निधन हो गया था। जी हाँ, भारती सिंह महज 2 साल की थी। वो अपने माता पिता का सही से चेहरा भी नहीं देख पाई थी कि उनके पिता हमेशा के लिए चले गए। लोगों ने भारती सिंह को इस बात पर भी ताने मारे कि उन्होंने तो अपने पिता को भी खा लिया। भारती की मां ने कभी हार नहीं मानी, वो भारती के साथ हमेशा लगी रही। भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1984 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी। भारती सिंह वैसे तो जब भी स्टेज पर आती हैं तो हर किसी को हंसा देती हैं, लेकिन जब भी उनकी माँ उनके साथ होती हैं तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। भारती सिंह 2 साल की थी और उनके पिता चले गए। उसके बाद भारती सिंह बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके लिए उनकी माँ क्या है। पिता के जाते ही भारती सिंह की माँ पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। भारती की माँ फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी तो घर में ये आलम होता था कि एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था। एक चैट शो के दौरान भारती ने ये भी खुलासा किया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनकी माँ ने अवॉर्ड कराना चाहती थी। उनके घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि स्कूल की फीस जमा करना भी मुश्किल हो जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके। मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाया करती थी। उस दौरान स्कूल में स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को कूपन मिला करता था। उस कूपन से दूसरी लड़कियां जूस पीती थी, लेकिन मैं उन 5 रुपए के कूपन को बचाती थी और घर में माँ के लिए फल और जूस लेकर जाती थी। उस समय 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से हो जाता था। ऐसे में घर में फल देखकर माँ और सब लोग खुश हो जाते थे। भारती आज जिस मुकाम पर है वो उसके लिए कपिल शर्मा को हमेशा धन्यवाद देती है।
कपिल और भारती एक दूसरे को उस समय से जानते हैं जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे थे। थिएटर करने के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं से उनकी बॉन्डिंग बनी। जब भारती अमृतसर में थिएटर किया करती थी उस समय कपिल शर्मा ने लास्ट चैलेंज 3 जीता था। घर लौटने के बाद कपिल ने भारती से कहा था कि इस शो का अगला सीजन आ रहा है, तुम उसमें भाग ले सकती हो। कपिल की सलाह के बाद भारती ने लास्ट चैलेंज के ऑडिशन दिए और उसके लिए वो शॉर्टलिस्ट हो गई। इस शो में हिस्सा लेने के बाद भारती ने जो कमाल दिखाया वो आज सबके सामने है। भारती जब भी अपनी सफलता की बात करती हैं तो वो कपिल शर्मा का नाम जरूर लेती हैं। भारती ने एक बातचीत में बताया था कि उनका लाफ्टर चैलेंज में चयन हुआ था तो आसपास के लोगों ने उनके बारे में बातें बनानी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने माँ को भड़काने के लिए उनसे कहा था कि तुम इसे मुंबई लेकर जाओगी तो इसकी शादी भी नहीं कर पाओगी, कोई इससे शादी भी नहीं करेगा। लेकिन भारती की माँ ने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपनी बेटी का हमेशा साथ दिया। माँ ने कहा, मैं अपनी बेटी को एक बार तो जरूर मुंबई लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती इसके मन में कहीं ये रह जाए कि एक मौका नहीं मिला था कि मेरी मम्मी मुझे लेकर नहीं गई। भारती आज टेलीविजन का बड़ा नाम बन चुकी हैं, आज वो सफल भी हैं और शादीशुदा भी हैं। उन्होंने हर्ष लिम्बाचिया से साल 2017 में शादी की थी। कॉमेडियन शो द कपिल शर्मा में भारती ने कभी लल्ली बनकर लोगों को हंसाया तो कभी बुआ बनकर सबका दिल जीत लिया। भारती आज भारत की सबसे बड़ी महिला कॉमेडियन है, उनकी शक्ल भर देख लेने से लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। आज भारती शोहरत और दौलत दोनों ही मामलों में आगे हैं। वो टेलीविजन शो में कॉमेडी का तड़का लगाने के साथ साथ कई शोज को होस्ट भी कर चुकी हैं। इसी के साथ वो खतरों के खिलाड़ी जैसे शो का हिस्सा भी रह चुकी हैं। कुछ महीने पहले कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जी हाँ, रात केस में फंसने के बाद भारती हर्ष का करियर खत्म बताया जा रहा था। अब फिर से भारती सिंह के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, लोग उनका चेहरा देखकर चीख पड़े। दरअसल भारती सिंह काफी टाइम से लॉकडाउन की वजह से घर में हैं, इस वजह से वो अपने फैंस से भी दूर हो गई हैं। ऐसे में जब वो काफी टाइम बाद घर से बाहर निकली तो लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव करते दिखे जैसे कि वो आम लोगों की तरह ही हैं। भारती को देखकर भी लोगों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, जिसके बाद भारती सिंह उदास हो गई और चीख पड़ी कि लोग मुझे जानते ही नहीं है, मुझे जल्दी कपिल शर्मा के शो में आना पड़ेगा वरना मैं इंडस्ट्री से गायब हो जाऊंगी क्योंकि लोग उन्हें अभी से ही भूलने लगे हैं। भारती सिंह मॉल के बाहर खड़ी रही और कई सारे लोग निकलते चले गए लेकिन कोई भी भारती सिंह को पहचान नहीं पाया। जबकि भारती सिंह फोटोग्राफर्स के सामने पोज दे रही थी और मास्क हटाकर बात भी कर रही थी, तब भी लोग उन्हें देखकर अनजान बन रहे थे। ये सब इशारे बता रहे हैं कि अगर भारती सिंह और दूर रही तो इंडस्ट्री से गायब होने लगेंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग भारती सिंह का नाम भी भूल जाएंगे। अपनी कॉमेडी से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली भारती सिंह वीडियो में राखी सावंत के बारे में बात करती हुई भी नजर आई। भारती सिंह कहती हैं कि वो राखी सावंत के कमबैक से बहुत खुश हैं। बता दें, भारती सिंह का अंदाज सबसे अलग होता है। भारती सिंह फैंस के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम पर भारती सिंह को लाखों लोग फॉलो करते हैं। भारती सिंह ने अपने करियर की शुरुआत सोनी टीवी पर आने वाला मशहूर शो इंडियन लाफ्टर चैलेंजर से की थी। भारती सिंह को लल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इस समय भारती सिंह डांस दीवाने 3 शो पर होस्ट के रूप में नजर आ रही हैं।